19वां युद्ध नर्तक राउत नाच महोत्सव को लेकर दुर्ग के मोहलई में भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर पूरा माहौल ब्रज धाम जैसा नजर आया। दुर्ग जिला यादव संघ मित्र कल्याण मंडल जिला दुर्ग व छत्तीसगढ़ राज्य शासन संस्कृति विभाग के सहयोग से छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय 19वां योद्धा नर्तन राउत नाच महोत्सव का आयोजन दुर्ग के ग्राम मोहलई छातागढ़ में किया जा रहा था, जिसमें राउत लंबे घुंघराले बाल, सिर पर कलगी लगा मोर पंख, कानों में बाली, आंखों में काला चश्मा और हाथों में लहराती तेंदुसार की लाठी व फुलहता राउत बाजा के साथ बांसुरी की धुन में तुलसी कबीर व पारंपरिक दोहों पर नाचते नजर आए। 19वें योद्धा नर्तन राउत नाच महोत्सव का आयोजन देख ऐसा लगा मानो ग्राम मोहल्ले में ब्रिज धाम बन गया हो। इस आयोजन में राज्य भर से आए योद्धा नर्तन दल ने नृत्य के साथ यादवी शौर्य का प्रदर्शन प्रस्तुत कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस मौके पर पहुंचे अतिथियों ने कार्यक्रम की सराहना की और इस दौरान दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने तलवार लहराकर यादवों का उत्साह वर्धन किया। पूर्व दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने भी पारंपरिक यादव वेशभूषा में यादवों का उत्साह किया। साथ ही समाज रत्न व पद्मश्री फूलबासन यादव ने रौताइन हाथा चित्रकला प्रतियोगिता बनाने वाली महिलाओं का उत्साह किया। बहरहाल इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में 36 राउत नाच दल प्रमुखों का सम्मान भी किया गया। योद्धा नर्तक दल को पुरस्कृत भी यहां पर किया गया। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।